मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णा नगर पंचायत सचिवालय में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ग्रेडिस शाखा के द्वारा वित्तीय सचेतनता एवं वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रेडिस शाखा प्रबंधक नीतीश कुमार, समन्वय अशोक कुमार, शाखा प्रबंधक सचेतनता प्रभारी सचिता वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सरकार द्वारा बैंक से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई थी। शाखा प्रबंधक ने ग्रामीणों को ग्रामीण बैंक से जुड़ने की बातें कही। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के बारे में जानकारी दी गई। उपस्थित अतिथियों ने लोगों से कहा कि कोई भी अनजान व्यक्ति के फोन में आधार नंबर, एटीएम, बैंक अकाउंट नंबर नहीं दे। साथ ही ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस मौके पर स्थानीय मुखिया, ग्रामीण बैंक कर्मी सहित काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। पंचायत भवन में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे माननीय अग्रणी जिला प्रबंधक महोदय आए हैं। आज वित्तीय साक्षरता में हम ग्रामीणों को बैंक से जुड़ने की बात कर रहे हैं कि सभी लोग अपने बैंक से जुड़े और बैंक में जुड़कर अपने भविष्य को ख्याल रखते हुए बीमा का जो लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद अटल पेंशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि अटल पेंशन जो पेंशन सरकारी कर्मचारी को जिस रूप में मिलता है, उसी तरह से पेंशन अगर आप कराते हैं तो पेंशन का भी लाभ आपको मिलेगा। और उसके बाद हम लोगों ने जो आजीविका के अंतर्गत जो हमारी दीदी हैं उनको फर्स्ट लिंकेज, सेकेंड लिंकेज और थर्ड लिंकेज के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। और हम लोगों ने यह बात कहा कि आपको पैसा की कोई कमी नहीं होगी, आप प्रॉपरली हमारे बैंक सखी से मिलिए और बैंक सखी से मिलकर आप फर्स्ट लिंकेज, सेकंड लिंकेज, थर्ड लिंकेज 6 लाख तक का आप लाभ लीजिए। साथ ही एक नई योजना हमारा नाबार्ड के साथ MOU हुआ है, उसमें JLG उसको बोलते हैं, स्वयं सहायता संयुक्त देयता समूह, उसमें चार व्यक्ति से 10 व्यक्ति के बीच वो ग्रुप बनेगा, जिसमें प्रति व्यक्ति हम आपको 50,000 रुपया का हम टर्म लोन देंगे और वह 3 साल के तक के लिए होगा, 1 साल से 3 साल तक का अवधि होगा, जिसे वो चुकौती करना है और ब्याज रेट बहुत सस्ता ही है, सरकार का है योजना, उससे लाभ उठावे। धन्यवाद। स्वयं सहायता ग्रुप के बहुत सारे सदस्य और गांव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसे वित्तीय सशक्तता के अंतर्गत सरकार की सारी योजनाओं का डिटेल में बताया जा रहा है, उससे आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं और प्राइवेट फाइनेंस से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसकी जानकारी दी गई है। और साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या आप सुविधा सावधानी ले सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। और साथ में ये भी दिया बताया गया है कि आप बैंक से ऋण कैसे ले सकते हैं, उसमें बैंकों द्वारा क्या क्या ब्याज लिया जा रहा है, इसकी जानकारी डिटेल में बताई जा रही है। साथ में ही हमारे पेंसी हैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के, वो समय समय पर गाँव में जाके इस बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराती है। धन्यवाद।